हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जो है आपको जानकारी देने वाले हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो है प्रदेश के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की सरकार उन छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की राशि प्रदान करेगी जिन्होंने पिछले साल 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि मध्य प्रदेश के हमारे CM डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, यह जो है अब मेघावी जो छात्र छात्रा हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको जो है अब लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की राशि जो है उनके खाते में डाली जाएगी ताकि वह अपनी और आगे की पढ़ाई को लैपटॉप की सहायता से और अच्छे से कर सकें। तो आइए हम जानते हैं इस योजना के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए मोहन सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से उन छात्रों का विवरण मांगा है। यह राशि जल्दी छात्रों के बैंक खाते में डाली जाएगी ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई में तकनीकी सहायता मिल सके। इस कदम से छात्रों को आगे को पढ़ाई करने में काफी जो है सहायता मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं राशि को लेकर आदेश जारी। छात्रों को लैपटॉप वितरण को लेकर DPI मध्य प्रदेश की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि जिक्र किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार 12वीं की परीक्षा में जो मेघावी छात्रों को लैपटॉप देने के लिए 25,000 देने जा रही है, इस साल क्या है चुनाव के कारण यह राशि समय पर नहीं पहुँच पाई थी। अब जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसे हम अपनी वीडियो में आगे आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसे बच्चों का ब्यौरा मांगा गया है जिन्हें लैपटॉप की राशि जल्द से जल्द उनके खाते में डाली जा सके। मतलब कि सरकार ने पिछले अभी जो रिजल्ट आया था उसमें कक्षा 12वीं के जो भी मेघावी छात्र छात्रा हैं उनकी लिस्ट जो है जिला शिक्षा अधिकारी से मांग ली है ताकि उनके खाते में जल्द से जल्द ₹25,000 की राशि भेज दी जा सके जिससे कि प्रत्येक छात्र अपने पढ़ाई के लिए लैपटॉप ले ले और उससे अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से विद्यार्थी लैपटॉप प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वे विद्यार्थी जो पिछले साल कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं वे इस योजना के तहत लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। मतलब कि जो विद्यार्थी पिछले साल कक्षा 12वीं में 75% या फिर उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं वो ऐसे छात्र हैं जो कि ₹25,000 की राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अगला देख सकते हैं यह राशि विद्यार्थियों के खाते में कब डाली जाएगी। तो दोस्तों, यह राशि जो है 1 दिसंबर से विद्यार्थियों के खाते में डाली जाएगी ताकि वे लैपटॉप खरीद सकें और अपनी पढ़ाई में तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकें। मतलब कि लैपटॉप खरीदने वाली जो राशि रहेगी वह जो है विद्यार्थियों के खाते में 1 दिसंबर से डालना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं राशि कितनी होगी और इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक प्राप्त विद्यार्थी को ₹25,000 की राशि दी जाएगी। यह राशि जो है विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी ताकि वह अपनी पढ़ाई को और अच्छे ढंग से कर सकें। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार जो है मेघावी विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं के जो मेघावी छात्र छात्रा है उन्हें जो है ₹25,000 देने जा रही है ताकि वह अपना इस राशि से लैपटॉप खरीद सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आदेश जो कि यहाँ पे दिखलाई दे रहा है आपको 10/10/2024 को आदेश जारी किया गया है जिसमें भी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए है। विषय में आप देख सकते हैं प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत शिक्षण सत्र 23/24 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु ₹25,000 की राशि वितरण करने बाबत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें कि प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए जो कि सत्र 23/24 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो है लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की राशि का वितरण करने के लिए यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ आदेश में आप आगे देख सकते हैं उपरोक्त विषय अंतर्गत जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त पत्र संलग्न आपकी ओर प्रेषित है। उक्त पत्र में जो है लेख है 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले 2699 विद्यार्थियों ने जो है हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की है अथवा नहीं
की पुष्टि कर संचालनालय को शीघ्र अवगत कराएं, क्योंकि 2699 छात्र अन्य राज्य बोर्ड से संबंधित होने के कारण ऐसे छात्र छात्राओं के प्रथम प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी पुष्टि जो है मंडल के स्तर से किया जाना संबंध नहीं है। अतः 2699 विद्यार्थियों ने हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की है अथवा नहीं, इस पुष्टि आपके स्तर पर की जानी है, क्योंकि विगत वर्षों में उक्त योजना का लाभ केवल प्रथम प्रयास में हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है विद्यार्थियों की संख्या भी दी हुई है। ये आप देख सकते हैं 2699 विद्यार्थी, जिसमें नियमित विद्यार्थियों की संख्या 2588 है और जिसमें प्राइवेट विद्यार्थियों की संख्या 111 है। तो यहाँ पे जो है आदेश सरकार की तरफ से जिला शिक्षा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को मध्य प्रदेश में भेजा गया है और उनसे जो है पात्र स्टूडेंटों की सूची मांगी गई है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हम जो है अपने अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपके पास लाने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बाकी के लोग भी इस आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल दिखने बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक वाले वीडियो रोज ही आया करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।